रहता था जिसका नाम था अली बाबा। मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काटना काम मेरा। नाइस टू मीट यू ए लोगो, अली बाबा है नाम मेरा। तो बच्चों एक दिन अली बाबा अपने ख्यालों में गुम कहीं जा रहा था। सोच रहा था ये जो दुनिया है इसके जो चक्कर है बड़ा ही शानदार मौसम है और मेरी तो बाई आंख ही फड़क रही है। अम्मा कहा करती थी कि बाई आंख के फड़कने का मतलब ये है कि कहीं से दौलत आने वाली है। क्या आने वाली है? हाँ। तो उसने फौरन, अली बाबा ने फौरन अपनी दोस्त मर्जीना को आवाज लगाई। मर्जीना जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसकी कामकाज में मदद करती थी, उसने आवाज लगाई, मर्जीना ए भाई मर्जीना। मर्जीना आई, उसने कहा क्या है? अरे भाई देख, मेरे हाथ में आज बहुत सारी दौलत आने वाली है, चल जल्दी से मेरी कुल्हाड़ी ला दे। यहाँ से 12 कोस दूर एक जंगल है, वहां पे बड़ी शानदार लकड़ी मिलती है, आज वहां से लकड़ी लेकर आऊंगा। एक बात ये थी कि अली बाबा ने उसको ये नहीं बताया था कि जंगल में 40-40 चोरों का एक ग्रोह रहता है। जंगल में पहुंचा तो वहां पे अंधेरा हो गया था, बिल्कुल सन्नाटा था। उसने कहा कि लकड़ी काटूं और काटे हुए एकदम से आवाज आई, कहां से आई आवाज? अरे भैया ये तो चोर आ रहे हैं। वहां से चोरों का ग्रोह आया और चोर गाते हुए आ रहे हैं, हम सब चोर है, चोरी है अपना काम, मैं सरदार हूं चोरों का। उसने कहा छोटे, जी उस्ताद जी। उसने कहा तमाम जवानों को परे ले जा। उसने कहा किधर ले जाऊं उस्ताद जी? उसने कहा अबे दूर ले जा। उसने कहा उस्ताद जी मैं समझ गया, ये वही जगह है ना जहां पे हम दौलत छुपाते हैं अपनी। उसने कहा हाँ पता है मुझे, चल दूर ले जा और बहुत दूर लेकर जाए इनको, इनको मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए वरना इनको भी गार खोलने का फार्मूला पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? गार खोलने का फार्मूला। अब ये कहकर सरदार जो है वो पलटा और गार की तरफ उसने देखा और उसने कहा खुल जा सिन सिन। एक गार खुल गया जिसमें वो अपनी दौलत छुपा देते। छोटे इतना जी उस्ताद जी, चल अब सारे चोरों को अंदर लेकर जा। ये कहकर सरदार अंदर चला गया और अंदर जाकर घर का दरवाजा बंद हो गया और उधर से अली बाबा निकला जो दरख्त के पीछे छुप गया। सरदार चला गया, अब अली बाबा निकला और अली बाबा ने देखना शुरू किया, खुल जा सिम सिम। अंदर जाऊं अंदर? अब अली बाबा तो अंदर चला गया और अंदर देखा उसने कि बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। ये गार के अंदर सितारे कहां से आ गए? और करीब जाकर देखा तो पता चला कि ये सितारे नहीं है, ये तो खजाना है। अब ये सारी दौलत लेकर अली बाबा पहुंचा किसके पास? मर्जीना के पास। देखा मर्जीना चल लिया। देखा क्या है? देखा अरे इधर तो आ। देखा क्या है? देखा ये देख हीरा। देखा हाँ और ये देख। देखा ये सोना। देखा हाँ और ये भी देख मोती। बेहोश होने की जरूरत नहीं भैया, मैं सब बताऊंगा तुझे, अभी ये बता इसका करना क्या है। मेरा करना क्या है? इसको जाके बाजार में जाके बेचा। अली बाबा ने कहा तोल लूं, तोल तो मैं लूं मगर मेरे पास तो तराजू ही नहीं है। अब अली बाबा डरते डरते जो है कासिम भाई के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? भाभी ने सोचा कि मैं तराजू दे तो दूं लेकिन क्या पता इस तराजू में कोई चीज हो। थोड़ा सा घी लगा दिया। भाभी ने कहा कि भैया जो भी तोलेगा वो इस घी में चिपक जाएगा। किस में चिपक जाएगा? वो तो तराजू से तोलने के लिए गया ही गया लेकिन भाभी की स्कीम काम कर गई। और भाभी ने देखा जब तराजू वापस आया तो तराजू के नीचे क्या लगा हुआ था? हीरा। क्या लगा हुआ था? हीरा। उसने फौरन आवाज लगाई, ओए कासिम और देख तेरा भाई हीरो में तोल रहा है और तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? अच्छा तो अली बाबा के पास कासिम पहुंचा और कासिम ने अली बाबा से पूछा, भाई बता जल्दी से तेरे पास हीरे कहां से आए? अली बाबा ने कहा भैया मैंने तो डाकुओं के पास मैं गया था, उधर गार में मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे डाकू आकू आए हुए थे, उन्होंने बोला खुल जा सिम सिम और वहां पे गार खुल गया और वहां से आ गए। अब अगले दिन क्या हुआ कि कासिम पहुंचा अपने गधे के साथ गार और गार पे जाके उसने बोला खुल जा सिम सिम और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया और गार के अंदर कासिम पहुंचा और गार के अंदर बहुत अंधेरा था। उसने करीब जाकर देखा तो उसने कहा ओए हो दौलत ही दौलत भैया, इतनी दौलत देख
कर बीवी क्यों ना हो दीवानी, अब तो मेरा दुनिया में नहीं है कोई साली, अब तो दुनिया है हमारी के मैं अमीर हो गया, अमीरों कबीर हो गया, ये सोना ये चांदी ये हीरे जवाहरात किस्मत बन गई मेरी हुई दौलत की बरसात। अब कासिम ने सारा सोना हीरे जवाहरात गधे पे लादे और उसके बाद वो बड़ा गार की तरफ, किसकी तरफ, और उसने कहा खुल जा खशखार। सौ में लगा धागा और चोर निकल के भागा।